जब भी आप मोबाइल को चार्ज में पकाने के लिए जाओगी तो एक सवाल आपके मन में आएगी, जब रात में सोने के शायद टाइम चार्ज पकाने के लिए जाओगी, तो मैं रात भर चार्ज पकाऊंगा तो क्या बैटरी खराब हो जाएगा, ऐसा सोचते हो ना? या फिर नहीं, रात भर चार्ज पकाने से क्या मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा? जी आप गलत सोच रहे हो, ऐसा सोचोगी तो बात बनेगा नहीं। तो क्या है, मैं एक मोबाइल का डीएमआर कोर्स करती हूँ, तो इसलिए मैं आपको अच्छा तरीका से बता सकती हूँ उसके बारे में। तो मोबाइल की चार्जिंग, जो चार्ज लगाते हो चार्जिंग पर और चार्जर पर, दो आईसी होती है जो कि चार्जिंग आईसी बोला जाता है। तो उसी चार्जिंग आईसी जब चार्ज पकाते हो, पकाते समय आप बसाते समय चार्ज, जब आपके मोबाइल का चार्जिंग फुल हो जाएगा, समझ गए, चार्जिंग फुल हो जाएगा जब, तो उनमें से जो डिटेक्ट किए हुए है, लगाए हुए है चार्जर से, और जो मोबाइल आपको सपोर्ट नहीं करेगा चार्ज। देखो ऐसा देखोगे तो आप आपकी फोन में जब 100% चार्ज हो जाएगा उसके बाद, और आपको आपकी फोन में चार्जिंग का सिंबल नहीं दिखाने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा है आईसी का प्रॉब्लम, जो कि जितना आपको चार्ज जो कि जरूरत है उसी मोबाइल का 100% का, तो 100% जब हो जाएगा उससे और सपोर्ट नहीं करेगा चार्जर। तो इतना है कि आप जितना दिन तक तो भी चार्जर के साथ आपकी मोबाइल कनेक्ट करके रखोगी कोई भी नुकसान नहीं होगा आपके मोबाइल पे। तो आप चाहे 2 दिन 4 दिन, ऐसा कोई कोई बोलते हैं ना, रात भर चार्ज मत पकाओ, रात भर चार्ज पकाने से हो सकता है आपकी मोबाइल ब्लास्ट हो सकती है, आपका चार्जर खराब हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई कोई बोलते हैं चार्जर लगा के रखोगी तो चार्जर खराब हो जाएगा, कोई ऐसा है नहीं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम उनमें से कुछ छेड़छाड़ है, कुछ प्रॉब्लम है तो ऐसा ब्लास्ट हो सकते हैं। नहीं तो मोबाइल कंपनी ने ऐसा तरीका से बनाया था चार्जर या मोबाइल को, कोई भी ब्लास्ट होने का नहीं चार्जर से लगाने से या रात भर लगाने से, 5 दिन 10 दिन लगाने से। ऐसा बोलूं तो मेरा चार्जर तो चार्जर मोबाइल सभी समय पे लगा हुआ है, चार्जर पर फोन फोन और चार्जर सभी समय, प्राय तो सभी समय पर कनेक्ट है। तो क्योंकि मुझे पता है ये कुछ होने वाला नहीं है, तो अगले फैक्ट मैं आपको दूंगा कि जब बिजली गिरेगी क्या होगा आपकी फोन।